जेड फंक्शंस में ओपन करते हैं, क्योंकि पी टी जेड के थ्रू ही इसके सारे फंक्शन एक्सेस होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पी टी जेड कंट्रोल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको बताया हुआ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए ये मेन्यू का ऑप्शन है यहाँ पर इस जगह पर, तो ये आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे फंक्शंस हमारे ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फंक्शन का ऑप्शन है, तो इस पर आप जाएंगे तो अप एंड डाउन स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप एंड डाउन, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फंक्शन पे पहुँच जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से मेन्यू पर ओके करेंगे तो ये देखिए सारे फंक्शंस हमारे ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पी आई आर डे मोड, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपने इनडोर में लगाना है या फिर आउटडोर में यूज़ करना है। तो आप इनडोर आउटडोर कहीं पर भी इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं, IP67 प्रोटेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे पी आई आर लेवल दिया गया है कि किस किस लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो टोटल इसके 5 लेवल हैं। तो ये देखिए तो अभी हमने तीसरे पर सेट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट तीसरे पर आता है तो हमने तीसरे पर ही सेट किया हुआ है इसको। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अलार्म टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी देर आपका अलार्म बजेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर 5 सेकंड की है, तो अगर जैसे आप सायरन वगैरह बजाते हैं इस कैमरे से तो आप कुछ टाइम के बाद इरिटेट हो सकते हो बाई चांस, बिना किसी मतलब कोई फॉल्स अलार्म के ये बज गया, या फिर आपने मोशन ऑन रखा दिन में भी तो उस टाइम पे बज गया, तो काफ़ी देर के बाद ये ऑफ होगा। तो आप मिनिमम 5 सेकंड पर ही रखें, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन है, तो फिलहाल वॉल्यूम लो पर है, और लो पर भी ये काफ़ी तेज़ बजती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन है, और उसके बाद हाई का ऑप्शन है, तो हाई तो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, तो हाई पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लो पर ही रखिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सारी सेटिंग कर दिया, तो उसके बाद हम सेव एंड एग्ज़िट पर जाएंगे और इसको सेव कर देंगे इस सारी सेटिंग को। तो सबसे पहले जब भी आप कैमरा कनेक्ट करो आपने ये सेटिंग देखनी है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नंबर पर आपका कैमरा कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर पर हमारा कैमरा कनेक्टेड है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 1 पे भी कर सकते हो, 2 पे भी, अब हमारा 4 चैनल का DVR है तो हमने तीसरे पर किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए हम जाएंगे सिस्टम के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पर सिस्टम का आइकन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इवेंट में। तो देखिए यहाँ पर इवेंट का आइकन है, तो यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपने सबसे पहले इवेंट को यानी कि जो मोशन डिटेक्शन है उसको अनेबल करना है। तो सबसे पहले हम कैमरा सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, किस कैमरे मतलब किस नंबर पे आपका कैमरा लगाया हुआ है, तो हमने 3 नंबर पर लगाया हुआ है। तो उसके बाद आप इसको अनेबल कर देंगे, तो नॉर्मल इवेंट में 3 नंबर पर आपने इसको अनेबल कर देना, और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंसिटिविटी है, तो ये सेंसिटिविटी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मोशन की सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कर देंगे तो थोड़ी सी मोशन पे ही अलर्ट आ जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो 20 इज़ सफिशेंट। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्मिंग शेड्यूल है, तो आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपका अलार्म बजे, किस टाइम पे कैमरा ट्रिगर हो, सायरन बजे, लाइट ऑन हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टीन्यूअस है, तो यहाँ पर 24 घंटे आपका जो अलार्म है वो ऑन होगा, मतलब जब भी कोई मोशन होगी तो आपका अलार्म ऑन होगा। तो अगर आपने 24 घंटे पर रखना है 24 घंटे पर रख सकते हैं, अदरवाइज़ देखिए यहाँ पर नन का आइकन है, तो इस नन के आइकन पर जाकर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब आपका सायरन ना बजे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ड्रैग करना है पोजीशन को, तो जिस भी टाइमिंग पर आप ड्रैग करेंगे वो हट जाएगी वहाँ से, ये देखिए इस तरह से हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे रात को 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक आपका अलार्म ट्रिगर होगा मंडे ट्यूसडे को, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर सकते हैं जिस भी एंगल पर आप चाहो। और अगर आपने इसको कॉन्टीन्यूस पे रखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसको सबको वापस से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सारा कुछ कॉन्टीन्यूस पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेड्यूल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका अननेसेसरी कैमरा ट्रिगर होता रहेगा और अलार्म बजता रहेगा और आप परेशान हो जाओगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को सेट करें। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिंकेज एक्शन है, तो लिंकेज एक्शन में यहाँ पर देखिए कैमरा नंबर 3 सिलेक्टेड है, और यहाँ पर देखिए आप लाइट और साउंड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो सिर्फ लाइट ही सिलेक्ट करो, या फिर चाहो आप सिर्फ साउंड सिलेक्ट करो, या दोनों सिलेक्ट करो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे ट्रिगर चैनल है, कि किस चैनल पर ट्रिगर हो, तो हमारा जैसे तीन पर कैमरा तो हम तीन पर क्लिक कर देंगे। सो इसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑडिएबल वार्निंग भी आप दे सकते हैं, नोटिफाई सर्विस सर्विलेंस भी कर सकते हैं, सेंड ईमेल भी कर सकते हैं, ये सब सभी कैमरों में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम लाइव पर जाएंगे, तो ये देखिए हम वापस अपने लाइव कैमरे पर आ गए हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से कैमरा ट्रिगर होगा और कैसे वो सायरन बजाएगा और कैसे उसकी लाइट ग्लो होगी। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। सो गाइज देखिए मैं अभी जा रहा हूँ उस कैमरे के आगे, तो ये हम आ चुके हैं। तो ये देखिए ये हमारा सायरन बजने लग गया, अभी मैं वापस साइड में चला जाता हूँ। तो 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये देखिए बंद हो चुका है। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पर जाऊँगा तो इस तरह से ये बजेगा कंटिन्यूसली। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए रेड एंड ब्लू लाइट फ्लिक्चुएट कर रही है और ये सायरन आ रहा है। तो गाइज अभी हम कैमरे का एंगल थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी मूवमेंट ना दिखे, और बिल्कुल हल्का सा मूव करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ट्रिगर होता है या नहीं। सो गाइज अभी मैं बिल्कुल आराम से मूव करता हूँ ताकि कैमरे में ना आऊँ, और उसके बाद हल्का सा एक हाथ करके देखेंगे कि हमारी मोशन डिटेक्ट होती है। सो गाइज देखिए अभी मैं कैमरे से इतनी दूर खड़ा हूँ, तो अभी मैं हल्का सा हाथ लेकर जाता हूँ और मोशन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये सायरन बजने लग गया। तो मैं डिस्टेंस आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना है। तो अभी मैं दोबारा से करता हूँ, तो ये देखिए तो जैसे ही थोड़ी सी भी मोशन होगी अलार्म डिटेक्ट कर देगा और अलार्म देने लग जाएगा। सो गाइस जब भी आपका कैमरा मोशन को डिटेक्ट करेगा, कोई भी मोशन अलर्ट आएगा या फिर कोई भी अलार्म ट्रिगर होगा, सायरन बजेगा या फिर आपकी लाइट ट्रिगर होगी, तो उस केस में देखिए यहाँ पर एक बेल का आइकन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो सारे इवेंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको बार बार प्लेबैक पे जा के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी कुछ जितने भी इवेंट्स हैं उस सब को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम इस इवेंट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारी 11 मिनट की वीडियो है, और ये कैमरा नंबर 3 है, इसकी टाइम आई हुई है, डेट आया हुआ है, और ये मोशन को डिटेक्ट किया है इसने, तभी ये यहाँ पर इवेंट आया। तो ये देखिए इस तरह से मोशन हुई है और उस टाइम पे ये डिटेक्ट करके ये इवेंट यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो आप ये इजीली यहाँ पर